हाँ तो भाई लोग बात है ये उस जमाने की जब हुआ करते थे एक छोटे मियाँ थे एक थे बड़े मियाँ। ये पुरानी वाली मूवी की बात नहीं कर रहे हैं हम, नई वाली मूवी की बात कर रहे हैं। इसके अंदर सब कुछ अच्छा अच्छा नजर आता है, बस एक चीज नहीं लगती जिसका लगना बहुत जरूरी है। जब आप दोनों ही कैरेक्टर्स को देखते हो, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, तो इनको ऐसे दर्शाया गया कि ये बहुत बड़े बड़े मिशन कंप्लीट कर सकते हैं, पर एक्चुअली में जब आप इनको देखोगे मूवी के अंदर भी तो ऐसा नहीं लगता है कि यार इन लोगों से हो पाएगा ये मिशन। एक होता है ना जब हम ऐसे बड़े बजट की मूवीज देखते हैं तो नजर आता है कि हाँ ये हीरो है मुसीबत में फंसा हुआ है, हाँ इससे हो जाएगा कैसे ना कैसे। जैसे सनी देओल की बात आती है तो कहीं ना कहीं फंसा तो लगता है, एक हैंड पंप उखाड़ेगा तो सबके सब भाग जाएंगे, ये चीज़ नजर आती है। पर इनके अंदर वो चीज़ नजर नहीं आई, थोड़ी सी मिसिंग लगी हमको। लेकिन मूवी अगर हम ओवरऑल देखें तो मूवी का कॉन्सेप्ट एकदम नया है। मतलब ऐसे करके ये चीज़ नहीं लेकर के आया कि पाकिस्तान इंडिया पे अटैक करना चाह रहा है या पूरी साजिश उसी की है। नाम जो है विलन का वो आप लोगों को पता होगा मूवी के अंदर कबीर है, जो रोल जॉन अब्राहम ने प्ले किया था जवान मूवी के अंदर, मतलब जिस तरीके का उन्होंने रोल प्ले किया था उसी टाइप का रोल यहाँ पर जो कबीर साहब हैं वो प्ले करते हैं। पर इनके पास टेक्नोलॉजी थोड़ी सी अहेड है, इतनी अहेड है कि मानो जैसे टोनी स्टार्क हो अपने टाइम के, जब टोनी स्टार्क अगर विलन बनता तो कैसा बनता, वो मेंटेलिटी है उस कबीर बंदे की। तो अभी कहानी में होता ही है कि दोनों के दोनों बंदे हैं, मतलब छोटे मियाँ बड़े मियाँ, ये दोनों अपने एक बटालियन की तरह काम करते हैं। कोई भी बड़ा सा बड़ा मिशन दे दो, इम्पॉसिबल मिशन दे दो, ये दोनों ऐसे करके सॉल्व कर देते हैं, ऐसा मूवी के अंदर दिखाया गया। पर किसी न किसी वजह के थ्रू इन दोनों का कोर्ट मार्शल हो जाता है। कोर्ट मार्शल आप लोगों को अगर नहीं पता तो बता दें कि आर्मी से इनको निकाल दिया जाता है, बेसिकली दोनों के दोनों आर्मी ऑफिसर दिखाए जाते हैं। अब जब आर्मी से निकाला गया तो काफ़ी सालों के बाद कबीर नामक जो बंदा है वो आ जाता है गवर्नमेंट के सामने कि ये क्या कर रहा है। ये बहुत बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी दिखाई जाती है फिलहाल मूवी के अंदर कि जैसे इंडिया के ऊपर पूरा सा ऐसा कवच बना के रख दिया है, उसकी एक पासवर्ड की है, सुरक्षित सेना भी नजर आएंगे आपको मूवी के अंदर, तो ऐसे पासवर्ड की है। और जो कबीर नाम का बंदा है वो उस की के थ्रू पूरे जो सुरक्षा कवच बना हुआ ना उसको समेट देना चाहता, हटा देना चाहता ताकि इंडिया से बाहर मिसाइल दाग सके। आप कहोगे इंडिया से बाहर मिसाइल दाग रहा है इसमें इंडिया का क्या घाटा है, इंडिया का घाटा है, बहुत बड़ा घाटा है। आज तक इंडिया ने कभी भी पहले जंग नहीं लड़ी, मतलब कभी जंग की शुरुआत नहीं की, आगाज़ नहीं किया, लेकिन अगर इंडिया ने पहली बार कभी भी किसी भी कंट्री के ऊपर हमला कर दिया तो सोचिए बाहर की जो कंट्रीज़ हैं उनका कितना ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा इंडिया के ऊपर, मतलब यूएन वाला जितने ऑर्गेनाइजेशन है सबके सब कितना ज़्यादा प्रेशर डालेंगे इंडिया के ऊपर, इकोनॉमिकली पॉलिटिकली हर तरह से इंडिया पूरा डाउन हो जाएगा ना। और यही कबीर चाह रहा है, तो कबीर क्या चाहता है कि हम अपना जो हमारा कवच बना हुआ है इंडिया के ऊपर उसको हटा देंगे, फिर इंडिया से मिसाइलें दागेंगे किसके ऊपर, चाइना के ऊपर दाग देंगे एंड पाकिस्तान के ऊपर दाग देंगे, फिर इन रिटर्न पाकिस्तान और चाइना जो है एक साथ इंडिया के ऊपर अटैक करेगा। ये कबीर का प्लान है। और ये प्लान क्यों है कि भाई देखो हर एक दिल फटे आशिक की कोई ना कोई पुरानी कहानी होती है, तो वो कहानी जानने के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। वैसे हम देख पा रहे हैं कि बॉक्स ऑफिस के ऊपर मूवी का कलेक्शन बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब ईद जैसे त्यौहार के ऊपर मूवी रिलीज हुई और काफ़ी सारे पैसे भी होते हैं सबके पास में, ऐसा लगता है कि अब की बार ईद में किसी को ईदी खास मिली नहीं, तो कि मूवी का बजट बता रहा है या फिर इनकी ऑडियंस ईद वाली है ही नहीं। फिलहाल ऑडियंस तो किसी की सगी नहीं होती, ऑडियंस तो जिधर अच्छा माल मिलेगा उधर जाती है। खैर ये वाला रीज़न हो सकता है कि ईद ही कम मिली, हमको पर्सनली कम मिली तो दूसरे की क्या बताएं। खैर अगर आपको ईद मिली तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितनी मिली। सो लेट्स बैक टू द मूवी। अब मूवी में भाई साहब दोनों जो कोर्ट मार्शल वाले ऑफिसर हैं उनको फिर से बुलाया जाता है कि भैया आओ जरा हमको कबीर वाले बंदे से लड़ाई लड़नी है। अच्छा सभी को नहीं पता होता कि ये बंदा भाई पुराना कबीर ही है जो लकड़ी करे पड़ा, तो अब क्या भरपूर टेक्नोलॉजी दिखाएगी। कहीं कहीं पे आपको लगेगा कि यार ये बचपनी वाली चीज़ें डालनी जरूरी थी क्या, कहीं पे आपको नजर आएगा कि बीएफएक्स थोड़ा सा हल्का सा भी है, तो वो चीज़ों को आप थोड़ा सा इग्नोर करते हुए एक अच्छा मसाला फिल्म देख सकते हो। भाई 350 करोड़ का बजट लगा हुआ है, थोड़ा सा मजा तो चख लो कि कैसी मूवी है क्या बना है, क्योंकि अगर इतना बजट लगाने के बावजूद अगर मूवी नहीं चलती है तो इसका जो लेवल है वो बढ़ेगा नहीं घट जाएगा, समझ रहे हो। तो मतलब जो डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर्स वगैरह हैं वो अच्छी चीज़ें आगे चल के परफॉर्म ही नहीं करना चाहेंगे, हमको जो भी नए नए सीन इस मूवी के अंदर देखने को मिले वो हमको आगे नजर ही नहीं आएंगे क्योंकि वो अपनी लिमिट को पुश ही नहीं करना चाहेंगे। खैर दिस इज़ नॉट द रीज़न कि आप मूवी देखो, मूवी इसलिए देखो कि मूवी के अंदर एक कहानी है, एक स्टोरी चलती है, बस उस पर डायलॉग बाजी पे मत जाइएगा। डायलॉग बाजी हमको पर्सनली पसंद नहीं आई इनकी। और टाइगर श्रॉफ का फाइटिंग स्टाइल बिल्कुल सेम है जैसे कि मूवीज़ के अंदर होता है, एंड अक्षय कुमार भी कुछ नया नहीं कर पाए उस चीज़ के अंदर, मतलब समझ रहे हो एक्शन के नाम पर। बस एक चीज़ बड़ी है कि जो टाइगर श्रॉफ भाई साहब है अब इस वाली मूवी के अंदर वो एक रस्सी में चाकू फंसा करके उससे अपनी फाइटिंग दिखा रहे हैं, बस ये चीज़ बड़ी है उनकी फाइटिंग स्टाइल के अंदर, बाकी सारी चीज़ें वही पुरानी। बस एक बात यहाँ पर हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, पता नहीं इन दोनों को देखने के बाद ये नहीं लग रहा कि इनसे ये इतने बड़े मिशन हो पाएंगे, पता नहीं क्यों ऐसा है। बाकी मूवी ठीक है, स्टोरी ठीक थी, अगर कोई बड़े स्टार दूसरे स्टार्स होते तो शायद मूवी कुछ अलग परफॉर्म कर रही होती। अच्छा एक कॉन्सेप्ट और है मूवी के अंदर, कबीर नाम का जो बंदा है ना वो एक कॉन्सेप्ट लेकर के आया था इंडियन मिलिट्री के सामने कि हम अपने ही बॉडी के क्लोन बना के रख देंगे, जैसे मेरी कोई क्षमता है बहुत अच्छी पावर है मेरे पास
तो उस पावर का उपयोग करते हुए एक क्लोन बॉडी बन जाएगी दूसरी बॉडी, बिल्कुल मेरी तरह परफॉर्म करेगी, उसको हम आराम से कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसी टेक्नोलॉजी जो कबीर नाम का बंदा है वो पहले मिलिट्री के हाथ बेचना चाहता था, पर मिलिट्री ने उसको मना कर दिया, ये कहते हुए कि जो एक इंसान अपने विवेक को लगा करके चीज़ों को संभाल सकता है, समझ सकता है, वो एक रोबोट कभी भी नहीं कर सकता। अब इस बात से आप कितना सहमत है, क्या फ्यूचर टेक्नोलॉजी ऐसी जाएगी कि आर्मी ऑफिसर्स हमारे रूम के अंदर बैठे हुए होंगे और बॉर्डर्स के ऊपर सिर्फ और सिर्फ रोबोट्स फाइट कर रहे होंगे? अब प्रॉब्लम यह है, अगर आर्मी ऑफिसर ही बिक जाए या फिर उसका मेंटली कुछ डिस्टर्ब हो जाए, आप कभी बदला लेना चाहे, तो वो तो पूरी सेना को इधर से बदल कर अबाउट टर्न कर देगा, पूरी सेना वापस आ जाएगी, तो ये एक थोड़ा सा खतरा होता है। इस पर आपका क्या विचार है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाय बाय।